यही उत्साह, यही उत्सव देख रहा हूं। उत्सवों के इस मौसम में हर खुशी इस बार डबल हो गई है। इस बार भारत अपनी उपलब्धियों का उत्सव भी मना रहा है। कुछ ही दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वैसे ही आज दुनिया के लोग कह रहे हैं भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। साथियों, इन सफलताओं के बीच भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 हर देशवासी की तपस्या का परिणाम है। 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बहुत बड़ी विशेषता रही है, एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। अपनी जड़ों से जुड़े रहने की वजह से आज भारत इतना बड़ा काम कर पाया है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। जिन गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनके सपनों को हमने संकल्पों में बदला है। और मुझे खुशी है कि G20 को सफल मनाने में छत्तीसगढ़ की जनता की भी सीधी भागीदारी रही है। आपने नवा रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई, आपने इतने अच्छे से मेहमानों का स्वागत किया, उनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहां के खान पान, यहां की विशेषताओं, यहां के सामर्थ्य के बारे में बताया। इससे पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई है, यहां का गौरव बढ़ा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सली हमलों और हिंसा से ही हुआ करती थी। भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ की पहचान यहां के विकास कार्यों की वजह से हो रही है। मेरे परिवारजनों, दिल्ली की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन यहां जो कांग्रेस की सरकार है वो विकास के काम में नहीं बल्कि सिर्फ हवाई बातें और दावों में जुटी रहती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का होने का बहुत बड़ा नुकसान, जब से बीजेपी सरकार गई, जब से ये लोग बैठे हैं,
सबसे बड़ा नुकसान मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को उठाना पड़ा है, मेरे नौजवानों को उठाना पड़ा है। केंद्र की भाजपा सरकार बीते 9 वर्षों में देश भर के गरीब परिवारों को करीब करीब 4 करोड़ घर दे चुकी है। कितने, जरा जोर से बोलिए, कितने? 4 करोड़ घर। हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को भी पीएम आवास योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां छत्तीसगढ़ के गरीबों के पक्के घर नहीं बनने दे रही है। महिला कल्याण हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, हर घर जल योजना हो, गरीब कल्याण से लेकर युवा कौशल और रोजगार की हर योजना में कांग्रेस ने, यहां की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है, भरती है ना, भरती है ना, लूट रहे हैं ना। गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप कल्पना कीजिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं, देशवासी भी सोच नहीं सकते, गरीब से गरीब इंसान भी सोच नहीं सकता। आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। छत्तीसगढ़ की बहनों से वादा तो किया था शराबबंदी का, लेकिन कांग्रेस ने शराब की बिक्री में ही घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से इतना समृद्ध राज्य है, केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड योजना बनाई। हमारा मकसद था कि जिन जिलों से खनिज संपदा निकलती है तो उसका एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए खर्च किया जाए। हम चाहते थे हमारे आदिवासी बहनों भाइयों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिले, लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने इसको भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के, उनकी जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस के एटीएम की तरह उपयोग किया जा रहा है, एटीएम की तरह। झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है। और वो तो कहते हैं बहुत सालों के बाद मौका मिला है और इसके बाद मिलने वाला नहीं है, यही समय है, जितना लूट सको लूटो। मेरे परिवारजनों,
कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 50 साल से भी पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की गारंटी दी थी। दी थी कि नहीं दी थी भैया? इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाने की बातें कर रहे थे ना? कांग्रेस तब भी हर चुनाव इसी गारंटी पर लड़ती थी और आज भी इसी गारंटी पर लड़ती है। अगर कांग्रेस अपने जमाने में अपना काम ठीक से करती तो आज मोदी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोदी ने गारंटी दी थी कि देश के गरीब को सशक्त बनाऊंगा। आज आप इसके परिणाम देख रहे हैं। सिर्फ 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा सरकार ने गरीब के हित में योजनाएं बनाई। भाजपा ने गरीबों को गरीबी से लड़ने के लिए जरूरी साधन दिए, सामर्थ्य दिया। भाजपा ने सरकारी योजनाओं से बिचौलियों को, कटकी कंपनी को, लुटेरों को बाहर निकाला। हमने यह सुनिश्चित किया कि लाभार्थियों तक पूरा लाभ पहुंचे। आज आप देखिए, मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक, हर गरीब तक बिना किसी घोटाले के पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। जो कभी गैस सिलेंडर की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, उन तक गैस कनेक्शन मुफ्त में पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर 400 रुपये सस्ता किया गया है। कल ही केंद्र सरकार ने 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने को मंजूरी दी है। जिन परिवारों में विस्तार हुआ है या परिवार में विभाजन हुआ है, वो भी रह न जाए, उसकी चिंता अभी से शुरू कर दी है। और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों बेटियों को होने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़कों, अच्छी रेल व्यवस्था, बिजली, ये सारी सुविधा बहुत जरूरी है। जब दिल्ली और रायपुर दोनों जगह भाजपा सरकार होती है, तब ऐसी सुविधाएं तेजी से आखिरी गांव तक पहुंचती है, गरीब से गरीब तक पहुंचती है। आज अभी मैं सरकारी कार्यक्रम में से आ रहा हूं। उस सरकारी कार्यक्रम में मैंने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया, वो सारी परियोजनाएं हमें छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने की ताकत देती है, छत्तीसगढ़ के गरीबों का कल्याण करने की ताकत देती है। थोड़ी देर पहले जो कार्यक्रम हुआ, उसमें कुछ साथियों को सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी दिए गए हैं। सिकल सेल एनीमिया
एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों तक जाती है। आदिवासी परिवारों में ये बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये आदिवासी युवाओं के स्वास्थ्य और स्वाभाविक विकास को प्रभावित करता है, इसलिए भाजपा सरकार ने पहली बार इससे मुक्ति के लिए, सिकल सेल से मुक्ति के लिए मेरे आदिवासी भाइयों बहनों बच्चों को मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इसके तहत आने वाले 3 वर्षों में 7 करोड़ साथियों की जांच की जाएगी। हमने संकल्प लिया है कि आदिवासी माताओं बहनों बच्चों को सिकल सेल की इस बीमारी से मुक्ति दिला करके ही रहेंगे। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान है, आदिवासी किसान है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि छोटे किसानों की उपज और वनोपज, उसको महत्व मिले, उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। अभी दिल्ली में G20 के लिए जो मेहमान आए थे, उनको हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बोझ दिया था। दुनिया के बड़े बड़े नेता भोजन के लिए पधारे थे और हमारी राष्ट्रपति जी ने उनको क्या खिलाया? कोदो, कुटकी, रागी। हम जो अपने परिवारों में खाते हैं, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, जिसको आजकल हम श्री अन्न कहते हैं, और जो हमारे छोटे छोटे किसान छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों पर उगाते हैं, जो मेरे आदिवासी भाई बहन उगाते हैं, हमने इन मोटे अनाजों से बड़े बड़े नेताओं का स्वागत किया है। भारत का श्री अन्न आपके खेतों में उगने वाला श्री अन्न विश्व की पोषण और पौष्टिक सुरक्षा का ब्रांड बने, ये मोदी का मिशन है। हमारे आदिवासी बहन भाई जंगल से जो उत्पाद इकट्ठा करते हैं, ऐसे उत्पादों के बेहतर दाम देने के लिए भी भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए बीते 9 वर्षों में दर्जनों वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। जो सैकड़ों बंधन केंद्र बनाए गए हैं, इससे भी इन वन उत्पादकों की अधिक कीमत मिलनी तय हुई है। मुझे खुशी है कि वनधन केंद्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी बहन भाइयों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से आदिवासी बहनों के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह वन धन योजना से जुड़े हैं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी को, आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था, हमारे देश के खिलाफ
जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा, यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके जूठे बैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को निषाद राजगृह को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक, हजारों हजार साल ये सनातन धर्म सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामलाल सोम जी। उन्होंने प्रथम जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोम जी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद रामादीन गौंड का तो नाम ही सनातन का प्रतिबिंब रहा है। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया में भारत की धूम है। दुनिया भारत में निवेश की हर संभावना को तलाश रही है, लेकिन यहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार
केंद्र के काम में रोड़े अटकाने वाली सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहीं पर बेहतर रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ निवेश आकर्षित करने में अग्रणी हो, इसके लिए यहां भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है। ये जो समय आया है इसको छत्तीसगढ़ को चूकना नहीं है। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने जिस भाव के साथ बनाया है, अब मोदी को उसी भाव के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का अवसर देना ही, ये आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं। छत्तीसगढ़ के पास अपार संपदा है, अब इसे भाजपा का कमल खिलाकर समर्पण और संकल्प से जोड़ना है। आप इतनी बड़ी संख्या में, इतने बारिश के बावजूद भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित की भावना के साथ अपना जीवन जीने वाले आदरणीय मोदी जी के उद्बोधन के बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए सांसद गोमती साय दीदी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। स्टडी वन टेक वन।